तो हाय गाइस, दिस इज़ नाशिद और आप सुन रहे हैं नाशिद अनफिल्टर्ड। और चौथा दिन थर्सडे ख़त्म हो चुका है क्वींस में, हाला में। और इसी चौथे दिन में क्या क्या हुआ ये बात करेंगे आज हम लोग। तो सबसे पहले मैच हुआ तीस्ती पास वर्सेस जर्मी शार्डी। पहले एडमंड का मैच ख़त्म हुआ और उसके बाद से फिर एडमंड वाला मैच तीस्ती पास जीत गया स्ट्रेट सेट्स में। और उसके बाद से फिर शार्डी के साथ मैच हुआ और शार्डी का मैच जीत गया, 3 सेट में जीता। लेकिन ये मैच देख कर लगा कि तीस्ती पास कितना, मतलब कितना उत्सुक है ये वाला टाइटल क्वींस जीतने के लिए। और मैं बोलना चाह रहा था कि क्वींस का जो ट्रॉफी मिलता है जीतने के बाद, सबसे बड़ा ट्रॉफी होता है लगता है हमको। हाँ तो चलिए और बात करते हैं। फेलिक्स ओजे अलियासीम ने भी कल 2 मैच खेला, निक क्यूरियोस ने भी 2 मैच खेला। तो निक क्यूरियोस पहला मैच अपना जीत गया रोबोट कार्बेनेस बेना से और स्ट्रेट सेट्स में। और फेलिक्स ओजे अलियासीम जीत गया अपना पहला मैच दिमित्रोव से स्ट्रेट सेट में। एकदम मतलब रेगुलर मैच था, 6-4 6-4। अरे यार दिमित्रोव क्या कर रहे हो, क्या पता। तो और उसके बाद से निक क्यूरियोस और फेलिक्स अलियासीम ने मैच खेला राउंड ऑफ 16 और क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गया फेलिक्स निक क्यूरियोस को हरा के। और उसके बाद से इंटरव्यू में ये वाला मैच देखिएगा तो लगेगा कि अरे निक क्यूरियोस कुछ खेलना ही नहीं चाहता है, जीतना ही नहीं चाहता है। लेकिन इंटरव्यू रूम में आके बोल रहा है कि मैं इतना ज़्यादा कोशिश कर रहा था। कोई कोई मैच ऐसा लग रहा था, कोई कोई पॉइंट्स ऐसा खेल रहा था निक क्यूरियोस, लग रहा था कि वो 1% भी नहीं चाहता है मैच जीतना। लेकिन वो आके बोल रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था बिटवीन द शॉट्स। आई डोंट नो, हम बात नहीं करना चाहते हैं उसकी। मतलब हर मैच में ऐसा ही हो रहा है। तो अट्रैक्शन अट्रैक्शन, मतलब बात करने से कुछ फ़ायदा ही नहीं है, ऐसा ही चलता रह रहा है, कुछ चलता रह रहा है। तो उसके बाद से बहुत दुख की बात यह है कि डेल पोत्रो को फिर से नी इंजरी हो गई है। वो गिर गया था अपने पहले राउंड के मैच में डेनिस शापोवालोव से, तो उसको इंजरी हो गई और वो जीत गया था मैच। इस वजह से कल वाले पॉडकास्ट में मैंने बोला था कि डेनिस शापोवालोव आ जाएगा आगे, लेकिन नहीं, वो वाला मैच वो पूरा जीत गया था। और उसके बाद से उसके नीचे के ड्रॉ में फूचोविच वर्सेस फिलिपानो लोपेज का मैच था। तो फिलिपानो लोपेज मतलब जीत गया और विदड्रॉ डेल पोत्रो ने कर लिया, तो क्वार्टर फाइनल्स में आ गया लोपेज। और एंडी मरे काफ़ी खुश होगा और एंडी मरे की बात करेंगे क्योंकि हाइलाइट्स, एटीपी हाइलाइट्स में कभी भी डबल्स पहले नहीं दिखाया जाता है, सिंगल्स के बाद में दिखाया जाता है। लेकिन बहुत कम ऐसा समय होता है कि, या बहुत बड़ा ओकेजन होता है जिसमें डबल्स को पहले रखा जाता है। और आज के हाईलाइट में एंडी मरे और फिलिपानो लोपेज का जो मतलब डबल्स वाला मैच था उसको हाईलाइट पहले रखा गया था। तो इट्स लाइक अमेजिंग। और इंटरव्यू एंडी मरे का देखा तो ऐसा लग रहा था कि वो जाना ही नहीं चाहता है, बात करना चाहता है। और उसने एकदम एक सेंटेंस बोला कि आई एम नॉट फीलिंग एनी थिंग। तो ये बहुत अच्छी मतलब न्यूज़ है, बात है, कुछ भी आप कहिए। क्योंकि एंडी मरे आ जाएगा तो कुछ मेरे ख्याल से और ये जो स्टार्स हैं, जो बिग फोर हैं, और कुछ दिन और खेलेंगे, कुछ ज़्यादा और मोटिवेशन मिलेगा। और मे भी अभी छोटी मोटी कुछ इंजरी होगी रॉजर फेडरर को, तो वो रिटायरमेंट के बारे में डायरेक्ट नहीं सोचेगा, वो सोचेगा अरे वो भी आ सकता है तो मैं भी कुछ खेल सकता हूँ। तो ये देख कर भी कोई भी नोवैक भी बैकअप करेगा, क्योंकि इतना जल्दी, जब 5 महीने पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन का आप जाके इंटरव्यू, न्यूज़ इंटरव्यू देखिए आप, तो उसमें एंडी मरे रो रहा था। वो मतलब स्टूल पे बैठ नहीं पा रहा था, बोल रहा था कि मेरी लाइफ अच्छे से नहीं चल रही है, मतलब मैं बच्चों के साथ खेल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि इतना दर्द महसूस करता हूँ हिप में। लेकिन अभी बोल रहा है कि इट्स लाइक 100% ही इज़ फिट, लेकिन वो कुछ रिहैब से और कुछ चलेगा क्योंकि सिंगल्स में थोड़ा मूवमेंट थोड़ा ज़्यादा एथलेटिक और डायनेमिक होता है, तो और ज़्यादा रिहैब, मतलब कुछ थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहता है। और अच्छी बात है ये, फिलिपानो लोपेज आगे बढ़ गया। तो उसके बाद से मिलोश राउनिच भी मतलब स्ट्रेट सेट्स में आगे, एलिस बेदिनी के साथ मैच था। तो डायरेक्ट किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है और लाइमलाइट भी नहीं है, लेकिन रायोनिच क्वार्टर फाइनल्स में है। और हम लोग सबको ही जानते हैं कि उसका उसकी स्लाइस और सर्व कितना अच्छा काम करता है ग्रास कोर्ट में। अगर पहला क्वार्टर फाइनल है तीस्ती पास वर्सेज फेलिक्स अलियासीम और स्टैट के मुकाबले में, वो टूर पे कभी मिले नहीं है अभी, मतलब एटीपी मेन टूर पे, लेकिन सिंग जूनियर्स जूनियर्स में वो 3 बार मिले हैं और फेलिक्स तीनों बार फेलिक्स ने हराया है तीस्ती पास को। तो ये थोड़ा, लेकिन अभी तीस्ती पास फेवरेट है, तो ये वाला मैच देखने लायक होगा। मतलब बेस्ट मैच, वन ऑफ द बेस्ट मैच अभी मेरे ख्याल से रीसेंट, अभी 1 महीने में होगा ये वाला मैच देखने का। उसके बाद से फिलिपानो लोपेज वर्सेस
रावनिच है, ये देखना है मैच, अब क्वार्टर फाइनल से ये तो अब तो सब मैच देखना है। उसके बाद से डिएगो शॉजमैन चिलिच को आराम से हरा के आ गया, मतलब स्ट्रेट सेट था एकदम 6-4 6-4, इसको भी देख के काफ़ी मज़ा आया। और चिलिच कॉन्फिडेंस, कुछ फिटनेस विटनेस का कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रहा था उसको, देख कर लग रहा था कि थोड़ा कॉन्फिडेंस, जो शॉट के लिए वो कॉन्फिडेंस में होता है तो जाता है, तो अभी नहीं जा रहा है। डैनियल मेडवेडेव, ये वाला मैच देखा नहीं मैंने, लेकिन लुकास पुई के साथ मैच था और इस बहुत काफ़ी लंबा मैच गया, 7-6 6-7 6-4। उसके बाद से निकुलस महू, स्टैन वरिंका के बारे में मैं बोल रहा था कि अरे यार विमिल्डन जीत जाए, और अभी मैंने फेवरेट रखा था विमिल्डन के लिए, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि ये फेवरेट नहीं है जीतने के लिए, लेकिन अगर जीतेगा विमिल्डन तो किसी की लाइफ चेंज हो जाएगी, तो सबसे ज़्यादा स्टैन वरिंका की चेंज हो जाएगी अगर सिंगल्स का विमिल्डन जीतेगा तो। लेकिन निकुलस महू से क्या पता कैसे हार गया, आई डोंट नो। और उसके बाद से मैच था जिल सिमोन वर्सेस केविन एंडरसन, और स्ट्रेट सेट में केविन एंडरसन को हरा दिया जिल सिमोन 6-1 4-6 6-4। और बात कर लेते हैं थोड़ा नोवेंटी ओपन, हैला में जो होता है, तो आप डरिए मत, लोवेंटी ओपन से हैला है, रॉजर फेडरर वाला और सोंगा वाला मैच देखा था मैंने, अमेजिंग मैच, और बहुत खुशी हुई देख कर कि रॉजर फेडरर अभी भी जा रहा है लास्ट सेट में, उसको मतलब 12th गेम में ब्रेक नहीं हुआ, वो ब्रेक होने वाला था लेकिन ब्रेक नहीं हुआ, और सर्व आराम से सर्व करके मैच जीत गया, एस एस से मैच जीता था, एस मार के। और उसके बाद से गैस्केट रेगुलर, मतलब रेगुलर आराम से हार गया, बस बाटिस्टा गुट RBA कहना है यार, 6-1 6-4। बॉर्ना चौरिच का कल ही मैच हुआ था, सौजा के साथ बात किया ही था, हाउबर्ट का भी कल ही बात किया था, बराटीनी जीत गया सेपी से, कैचिनॉफ का कल ही मैच हो ही गया था, और सबका मैच कल हो गया था। तो आज मैच होने वाला है आपको हेला में, कैचिनॉफ वर्सेस बराटीनी, डेविड गोफैन वर्सेस ज़्वेरेव, ये वाला मैच देखने लायक होगा सबसे ज़्यादा। और आसो सब मैच रॉजर फेडरर, क्योंकि ये 500 इवेंट है तो सब मैच एक ही दिन में हो जाएगा, और आज फ्राइडे है तो फ्राइडे को, सैटरडे को सेमीफाइनल, संडे को फाइनल, बॉर्ना चौरिच वर्सेस हेबर्ट और रॉजर फेडरर वर्सेस बाटिस्टा अगुट, ये क्वार्टर फाइनल्स है। और क्वार्टर फाइनल्स क्वींस का है, डिएगो शॉजमैन वर्सेस मेडवेडेव, तिस्तिपास वर्सेस फेलिक्स ऑजे अलियासिम, फिलिपियानो लोपेज वर्सेस मिलोश रॉनिच, और फिलिपियानो लोपेज एंडी मरे, जो मैंने बात किया कि फर्स्ट राउंड अपना वो भी फर्स्ट सीड के साथ मैच था तो वो जीत गया है, तो उसको थोड़ा शेड्यूलर जो लोग होंगे उन लोग को भी देखना होगा, और फिलिपियानो लोपेज को भी थोड़ा देखना होगा, क्योंकि 37 38 38 ईयर्स का है और डबल सिंगल्स दोनों खेल रहा है, तो उनका मैच हो सकता है। मतलब सिंगल्स में मैंने बता ही दिया आपको कि डिएगो शॉजमैन वर्सेस मेडवेडेव, तिस्तीपास वर्सेस अलियासिम, लोपेज वर्सेस राउनिच और महू वर्सेस जिल सिमोन, ठीक है एक बार और बता दिया मैंने। और आज ही मैच है एंडी मरे वर्सेस फिलिपियानो लोपेज का, हो सकता है मैच जो पहले ख़त्म होगा मैच इन दोनों के बीच होगा, डैन इवेंस वर्सेस केन सुपीकी, आई डोंट नो, लेकिन दोनों ब्रिटेन के हैं तो इसी वजह से पेयरिंग की होगी कंट्री कंट्री, क्योंकि ओलंपिक में भी ये सब लोग खेलना चाहते हैं तो ओलंपिक में, लेकिन पहले उनको खेलना होगा एंडी मरे, क्या पता दोनों मरे खेलेंगे कि नहीं। हाँ इन दोनों का मैच है, फिलिक्स और दी मेन्योर भी साथ में है, तो पहले इन दोनों का मैच होगा, उसके बाद से जो जीतेगा वो खेलेगा फिलिपियानो लोपेज वर्सेस एंडी मरे। और एंडी मरे को देखकर काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मज़ा आ रहा था, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, और आज हम जल्दी जल्दी बोल रहे हैं तो आई डोंट नो प्रैक्टिस हो गई है बोलने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और ये क्लिक बेट नहीं है, ये पॉडकास्ट है, यूट्यूब वालों को पता ही नहीं चल रहा है ये, सो बाय।